तो इंजीनियर्स, आज का ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, और उसके लिए जो QA QC इंचार्ज होता है उनके लिए क्या जॉब रोल्स होती हैं, उसके साथ उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है और उनकी क्या क्या सैलरीज होती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले TQC था, टोटल क्वालिटी कंट्रोल था, बट उसके बाद आपका आ गया TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन, उसके बाद आपकी शेड्यूलिंग, उसके बाद आपके रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को लेके जाना। इसमें अपन करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, उसके साथ रिसोर्स मैनेजमेंट, और जो भी हमारे प्रोसेस हैं उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली, वो एज पर IS स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं कि नहीं। तो ये QA QC का काम बहुत ही अलग होता है। सिविल गुरुजी लाया है क्विज टाइम। 169 विनर्स डेली जीत सकते हैं कैश पूल ऑफ ₹5,000। डेली सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होगा और क्विज 10 बजे शुरू होगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्विज में क्वेश्चंस इसी वीडियो से पूछे जाएंगे जो कि 10 से 15 मिनट्स के होंगे। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं तो मौका चूक जाएगा पैसे कमाने का। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल की, उसके साथ में क्वालिटी एश्योरेंस की। तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। ये आपका एक रिएक्टिव प्रोसेस होता है। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोडक्ट। मतलब कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन है, जब वो फाइनल उसका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, बन जाता है, तो उस केस में उसकी चेक करना, उसको चेक करना, उसमें जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकालना, वो आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है। जैसे सपोज मैंने 100 पीस किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करवा लिया, उसमें से मैंने 5 सैंपल निकाले और वो 5 सैंपल को मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो दैट कम्स अंडर क्वालिटी कंट्रोल। कि आप फाइनल प्रोडक्ट में जो भी आप उसमें टेस्टिंग करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं जिससे आप डिफेक्ट्स को जान सकें, उसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे आपका क्वालिटी कंट्रोल रिएक्टिव प्रोसेस होता है, आपका क्वालिटी एश्योरेंस होता है प्रोएक्टिव प्रोसेस। इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंश्योरिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल इन फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है उसमें हम लोग क्वालिटी एंश्योर करते हैं प्रोसेस में ही। मतलब कोई अगर मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में अपने को क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ताकि अब क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में क्या हुआ, मैंने फाइनल प्रोडक्ट पे टेस्टिंग करी, अगर टेस्टिंग फेल हो गई तो मतलब मैंने वेस्टेज क्रिएट कर दिया है, ऑलरेडी वेस्ट प्रोडक्ट है वो। बट वही चीज़ अगर मैं प्रोसेस में उस चीज़ को करेक्ट कर लूँ तो मेरा वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर आता है, जो कि आपका रिएक्टिव प्रोसेस होता है। और इसी प्रोसेस में ही हम अगर डिफेक्ट्स को एनालाइज कर लें और जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको डेवलप कर लें, तो हम एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ना क्वालिटी आपके ज़्यादा पैसे देने से ज़्यादा क्वालिटी अचीव करना है ये मकसद नहीं है। आप कम से कम पैसों में कैसे सामने वाले को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हो, क्योंकि आज का मेन मोटिव ये हो गया है कि क्वालिटी इज फ्री। और कभी भी आप क्वालिटी इंश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल आपकी बात करते हैं तो आपको ये मोटो ध्यान रखना कि डू इट राइट एट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। मतलब पहली बार तो आपको अच्छा करना ही है, उसके साथ में हर बार अच्छा करना है अपनी क्वालिटी को अचीव करने के लिए। अब इसके कुछ जॉब रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जॉब रोल आता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी चेकर का, आपका आता है प्लानिंग। अब ये प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में आपका इंक्लूड होता है जितने भी आपके स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले साइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, साइट रिपोर्ट्स हमको पता होनी चाहिए, साइट सर्वेइंग की रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल को उन साइट इन्वेस्टिगेशन बता सकूं और उसके अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन को प्रिपेयर कर सकें। तो ये सब पूरी प्लानिंग आपके क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी चेकर को भी ध्यान रखनी पड़ती है।
दूसरा होता है आपका रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, जितने भी तरह के ऑडिटिंग्स हो रहे हैं। अब दो टाइप की ऑडिटिंग होती है, तो इंटरनल होती है तो एक्सटर्नल होती है। इंटरनल ऑडिटिंग मतलब जो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उन्हीं लोगों से हम, या तो फाइनेंशियली ऑडिट बोल लो या टेक्निकल ऑडिट बोल लो, दोनों ही ऑडिट में जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व पर्सन हैं उनसे ही करवा रहा हूँ। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होगा कि जो भी पर्सन उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं है उसके अलावा मैं किसी थर्ड पार्टी से करवाता हूँ क्वालिटी कंट्रोल, तो उसका रिकॉर्ड रखना, उसका ऑडिट रखना, ये सब आपका रिकॉर्ड्स और रजिस्टर में आता है। जैसे साइट में अगर मैं बात करूँ तो हिंड्रेंस रजिस्टर होता है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट्स होती है, ये सब रिपोर्ट्स हमको साइट पे ध्यान रख के अपने पास ही रखनी पड़ती है। तीसरा होता है स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल। बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मटीरियल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो हमको ये देखना है कि एज पर स्पेसिफाइड जो IS स्पेसिफिकेशन है, जो हमारे वर्क ऑर्डर में स्पेसिफाइड है कि मेरे को ये मटेरियल्स यूज़ करना है, वही मटेरियल साइट पे आ रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ उनकी स्टोरेज की, अगर पहली बात करूँ सीमेंट की, तो आपने देखा होगा अगर एक शोरूम बनाते हैं हम सीमेंट के स्टोरेज के लिए, तो हम ये देखते हैं कि कभी भी डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में हम लोग सीमेंट बैग्स को नहीं रखते हैं। एक प्लैंक बिछाते हैं, उस प्लैंक के ऊपर हम सीमेंट बैग्स को रखते हैं लगभग 150 से 200 mm ऊपर, और उसमें भी आपका जो फ्लोर हुआ है वो PCC कम से कम आपका 15 सेंटीमीटर थिक तो होना चाहिए, और 1:2:4 का रेशियो होना चाहिए, और उसके लिए जो आपका ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल से कम वो 2.5 meters ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो ये सब क्राइटेरियाज को भी ध्यान रखना है कि मैं अगर सीमेंट बोरी रखता हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि एक बार मैं 10 बोरी ही रखूँ, क्योंकि 10 बोरी से ज़्यादा रखूंगा तो वो क्या हो सकता है सीलिंग के पास पहुंच सकता है, और अगर सीलिंग में सीपेज हुई तो अपने सीमेंट में लम्स आ सकते हैं। वैसे ही एक्सटीरियर वॉल्स हैं, उनसे भी लगभग 450 से 600 mm की दूरी पे ही हमको रखना है, और अगर फ्रेशली एक्सटीरियर में किसी तरह की कोटिंग हुई है तो वहाँ पर अपन तो रख ही नहीं सकते, लम्स आ जाएगा, तो वो स्टोरेज का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका मटीरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट मतलब कौन सा मटेरियल आएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे कितने मटेरियल्स आएंगे, कौन से काम के लिए मेरे को कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत है, वो एज पर स्पेसिफाइड है कि नहीं, जो वर्क ऑर्डर है मेरे पास वो एज पर हम उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल्स मंगवा रहे हैं कि नहीं, तो ये पूरा मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये फिर से एक बार करते हैं अपन रिकॉल, प्लानिंग हो गया, प्लानिंग करना, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेन करना, स्टोरेज पे ध्यान देना, मटेरियल मैनेजमेंट करना, उसके बाद आपके DPR डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट की कितना काम हुआ कितना वेस्टेज हुआ, जो अपन एक प्रॉपर डेली रिपोर्ट बनाते हैं ना कि मेरे पास इतने सीमेंट बैग्स थे मेरे स्टोर रूम में, मेरे को अगर स्लैब कास्ट करना था तो मैंने इतने बोरी निकलवाए, उसमें से इतने बोरी लगे, इतने बोरी वापस गए, इतने बोरी वेस्टेज हुआ, ये पूरा DPR बना के हमको एक प्रॉपर ऑडिट तैयार करना है ताकि हम मिनिमम वेस्टेज में काम कर सके। क्योंकि मेरे को जितना पता है कि 3% तक का आपका सीमेंट का वेस्टेज क्रेडिट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। इसमें आपका क्या होता है, जो QA QC इंचार्ज रहता है उसके पास नेगोशिएशन स्किल्स और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, जैसे मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया मेरे को उसको सब कॉन्ट्रैक्ट में देना है, मतलब नीचे और 5 कॉन्ट्रैक्टर्स को फॉरवर्ड करना है, तो उन 5 कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं कितने में दे सकता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए सबसे पहली बात, तो उस क्वालिटी मैनुअल में मेरे पास हर एक चीज़ लिखा होना चाहिए कि मेरे को काम का क्वालिटी किस हिसाब से रखना है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, टाइम, कॉस्ट और मनी। अगर मैं सही टाइम पे सही कॉस्ट उतने ही स्पेसिफाइड कॉस्ट में अगर एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर लूँ तो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा और भी जॉब रोल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिर से आता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रोएक्टिव प्रोसेस है, और यहाँ पे जो हम लोगों को डिफेक्ट्स जो डिटेक्ट करने हैं वो उसके प्रोसेस में ही करने हैं। प्रोसेस में करने से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको मैं निकाल के उसको इम्प्रूव करके उसको डेवलप कर सकूँ, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस भी काम होता है। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन यूनिट ये नहीं है कि एक या दो लोगों का बना दिए, यहाँ पे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक क्वालिटी मैनुअल स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, जो कि आपके हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक के सभी के पास वो क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जन या दो जन ही इस क्वालिटी कंट्रोल के लिए या क्वालिटी एश्योरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस कंस्ट्रक्शन में उस प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को ध्यान रखें।
जैसे आपके स्टेट पीडब्ल्यूडी होता है उसके अंडर अपनी एक अलग इंस्पेक्शन यूनिट होती है जो कि आपके चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करती है। सेंट्रल पीडब्ल्यूडी होती है, एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, वो सब इन एक्टिविटीज को चेक करता है कि क्या क्वालिटी इसको ध्यान में रख के काम हो रहे हैं कि नहीं। तो इंस्पेक्शन यूनिट बनाना मतलब सिर्फ एक या दो लोगों की टीम बना के इंस्पेक्शन करने भेज देना, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आप पूरा मैनेजमेंट लेवल से एक क्वालिटी मैनुअल प्रिपेयर कराओ और हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे वो क्वालिटी अचीव कर सकते हैं उसके बारे में आप प्रॉपरली उनको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग, क्योंकि न्यू मेथड्स आ रहे हैं, न्यू मटेरियल्स आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जब उन चीज़ों को अगर मैं सही से यूज कर पाऊंगा तभी मैं उस क्वालिटी को अचीव कर पाऊंगा ना। तो उस न्यू मटेरियल से रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहें इंजीनियर्स को अपने डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे अंडर वर्क कर रहे हैं। अगर क्वालिटी इश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल का काम आता है तो हमको सबको लेके चलना है, एज अ टीम लीडर की रूप में अपने आप को देखना है और सब टीम को अपने साथ लेके चलना है। और सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं एज अ QA QC एक क्वालिटी सर्कल। उस क्वालिटी सर्कल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लोग रोज बैठते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, भले एक घंटे के लिए बैठे, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करके उनको सॉल्व करना और उनको अप्रिशिएट करना एक टीम लीडर और एक क्वालिटी एश्योरेंस इंचार्ज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उससे हम लोगों को क्या होता है कि टीम भी मोटिवेटेड होती है और अपन काम भी अच्छे वे में करा सकते हैं। जैसे अगर मैं अपन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जैसे माइवान टेक्नोलॉजी में क्या है, जितने भी हैं सब चीज़ें आपकी कॉन्क्रीट वर्क है, नो ब्रिक वर्क, उसमें किसी भी तरह का ब्रिक्स यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे आपके मोल्ड्स जो है वो ज़्यादा लगते हैं, मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा लगते हैं, कॉस्ट भी और मटीरियल्स भी, बट उसमें जो लेबर्स हैं वो कम लगते हैं। तो अगर मिनिमाइजेशन ऑफ लेबर है, इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेबर पूरी तरह से हट जाएंगे और हर चीज़ में मशीन लग जाए, तो हम उस चीज़ को अच्छे वे में और बेटर वे में करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है TQM का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके अंडर में ही आपके क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस आते हैं, यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हमको कस्टमर्स को एक क्वालिटी प्रोवाइड करना है, और क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हमको उनकी जो भी नीड्स हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपने देखा होगा अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे होंगे या आपने वो चीज़ सुनी होगी कि क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास कि मेरे को 2BHK 3BHK एक प्लान करवाना है, तो आप पहले एक सैंपल बना के देते हो, फिर सैंपल के अकॉर्डिंगली फिर देखते हो कि कस्टमर की जो भी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। अगर फुलफ़िल हो जाती है तो वो क्या होगा, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली हमने उसको एक सेटिस्फाई कर दिया अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। अगर नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, डिज़ाइन चेंजेस आते हैं, और डिज़ाइन चेंजेस जितने आएंगे उतना अपना प्रोजेक्ट क्या होगा, डिले हो सकता है। तो जितना जल्दी हम लोग अपने कस्टमर की नीड्स को समझें और उन नीड्स को अपन समझ के उसको इम्प्रूव करके अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दें तो अपना अपना प्रोजेक्ट अपन जल्दी और अच्छे वे में और क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चेकलिस्ट। अब डिफरेंट डिफरेंट चेकलिस्ट हैं अपने बिल्डिंग मटेरियल्स में, PCC के लिए, RCC के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, अपने रीइंफोर्समेंट के लिए, फिर प्लास्टरिंग के लिए, फिर आपके जो भी फ्लोरिंग वर्क हैं उन सब के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेकलिस्ट भी हमारे पास साइट में अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम देख के उस चीज़ को समझ सकें। चेकलिस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल में ऑलरेडी डली हुई हैं, उसमें से आप देख सकते हो कि किस किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेकलिस्ट हम यूज़ करते हैं साइट पे ताकि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करके मैनेज कर सके। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपका लगभग 3 years एक्सपीरियंस इन QA QC प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और अ मिनिमम ऑफ 5 years एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। मतलब स्टार्टिंग बेसिस पे एज अ फ्रेशर इंजीनियर आप जब साइट में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधे एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए कि आप इस चीज़ को संभालो। सबसे पहले आपको उस कंपनी में एज अ साइट इंजीनियर भी अगर वो अपॉइंट कर रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने को प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझना है, और उसके बाद जब वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है तो उस अपॉर्चुनिटी में हम अपने आप को प्रूफ कर सके सामने वाले को कि हाँ मैं उसके लिए कैपेबल हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके सीधे क्वांटिटी सर्वेयर, एक बिलिंग इंजीनियर, एक एस्टिमेशन इंजीनियर ही बनना है स्टार्टिंग फेज पे ही, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो ICC में भी आपके जो फाइनल जो इंडिया की टीम है
वो अगर जाके खेल रही है, नेशनल टीम जो है हमारी वो अगर जाके खेल रही है, तो उससे पहले उन्होंने स्टेट लेवल पे भी खेला है, तो आपको भी पहले साइट वाले लेवल पे खेलना पड़ेगा शुरुआत में, फिर उसके बाद अपनी अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी स्किल्स के थ्रू आप उसमें अपना इंक्रीमेंट ले सकते हैं। दूसरा है आपका लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, इसमें गुड नॉलेज ऑफ कॉरपोरेट बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, जैसे यहाँ प्रोसीजर्स की बात करूँ तो यहाँ क्वालिटी प्रोसीजर्स भी बनते हैं, क्वालिटी मैनुअल भी बनता है, वर्क इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बनता है, बहुत सारे ऐसे तरीके के आपके नोट्स हैं जिसको आपको यूज़ करके आपको उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अभी तक के क्या हुआ, सेम चीज़ वही हो रही है, इंजीनियरिंग में पूरा सिविल इंजीनियरिंग सीख गए, साइड में खड़े हुए इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वैसे ही अगर QA QC अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझिए ताकि साइट में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर आपका सुपरवाइज स्किल्स, गुड सुपरवाइजरी स्किल्स हैज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। देखिए, स्टार्ट में आप जाएंगे एज अ साइट इंजीनियर तो आपको मटेरियल मैनेजमेंट करना है, लेबर मैनेजमेंट करना है, जो भी आपके प्रोसेस हो रहे हैं साइट पे वो एज पर IS कोड्स स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं कि नहीं, ये सब सुपरवाइजरी स्किल्स अगर शुरुआत में रहेगी तो आगे चल के बहुत सारा बेनिफिट करता है। तो अगर स्टार्ट साइट इंजीनियर से भी हो रहा है तो प्लीज़ जाइए और चीज़ को सीखिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी यार स्टार्टिंग स्टेज पे। ठीक है, फिर लास्ट है आपका नॉलेज ऑफ कोड्स, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट आपके कोड्स होते हैं, जैसे अगर नॉर्मली बोलूं आपने IS 456 IS 800 तो पढ़ा ही है, लोड्स के लिए देखें तो IS 875 हो गया आपका, फिर मिक्स डिजाइन के लिए 10262, फिर सैंड के लिए जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है IS 383, तो ये जितने भी कोड्स हम यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जिससे हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस और मिक्सिंग प्रोसेस और जो भी हम टेस्टिंग करते हैं उसके लिए IS कोड्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, स्किल्स ही बोलूँगा मैं इसको एक प्रकार का, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है साइट पे इन सभी चीज़ों के लिए। फिर नेक्स्ट है आपकी सैलरी, कि बिगिनर्स की सैलरी क्या हो सकती है QA QC इंजीनियर के तौर पे, तो ऑन एन एवरेज सैलरी वुड वेरी फ्रॉम ₹12,000 to ₹25,000 CTC इन इंडिया। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 12,000 से लेके 25,000 तक की आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है एज अ QA QC इंजीनियर। फिर आपके सीनियर QA QC इंजीनियर की आपकी लगभग 3 to 4.5 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाने के बाद, जो मैंने 3 साल का फेज बताया था कि एक्सपीरियंस 3 साल से लेके 5 साल के बीच में अगर एक्सपीरियंस अगर आ जाता है इस फील्ड में, तो एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एज QA QC एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर इज 4.5 to 7.8 lakhs। तो लगभग ऑन एन एवरेज मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 लाख से लेके 7.5 लाख तक का एक QA QC का इंजीनियर की सैलरी होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम QA QC को बिल्कुल अच्छे से समझें, TQM क्या होता है उसको भी हम अच्छे से जानें। TQM आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लो लेवल मैनेजमेंट तक के लिए एक क्वालिटी मैनुअल प्रिपेयर होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्पेक्शन यूनिट्स बनती है, एक ही इंडिविजुअल इंस्पेक्शन यूनिट नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्पेक्शन यूनिट्स होती है, क्वालिटी कंट्रोल जो होता है आपका, उसमें आपके जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर हम टेस्टिंग करते हैं, बट क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रो रिएक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रोसेस में ही उन डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करके उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड थी। तो आई होप इंजीनियर्स ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।